अब आपका क्या होगा जनाबे आली? सब है जेल में, पूरी पार्टी हो गई है खाली, कारागार पहुंचे मुख्यमंत्री भी, अब किसकी है बारी? नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आपके एक और मंत्री पर ईडी ने अपनी नजरें टिका दी हैं। जी हाँ, इस बार ईडी की निगाहें दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर है। ईडी ने कैलाश गहलोत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। शनिवार सुबह 11:30 बजे कैलाश गहलोत ईडी के दफ्तर पहुंच भी गए। ईडी ने समन में गहलोत से धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ही दिल्ली की नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। सिर्फ यही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब घोटाले का मुख्य आरोपी विजय नायर उनके घर आकर ही रुकता था। इस मामले में तकरीबन 2 साल से जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी दोनों ही इस मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। कैलाश गहलोत से शराब नीति बनाने को लेकर पूछताछ किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि वे 2021-22 के लिए नई शराब नीति की तैयारी और कार्यान्वयन के समय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ मंत्रियों के समूह का हिस्सा थे। एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में गहलोत का नाम भी लिखा था। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत एक दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब शायद नंबर है कैलाश गहलोत का। इसलिए अब सीएम केजरीवाल के बाद ईडी ने कैलाश गहलोत को समन भेजा है। आपको बता दें कि कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट और कानून मंत्री के साथ साथ नजफगढ़ के आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद कैलाश गहलोत सरकार में सबसे वरिष्ठ और सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके पास इस समय दिल्ली परिवहन के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी हैं। लेकिन इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब कैलाश भी फंसते नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब कैलाश पर इस तरह का कोई आरोप लगा हो। इससे पहले भी कैलाश गहलोत पर डीटीसी बसों की खरीद में घोटाले करने के आरोप हैं। भाजपा ने आरोप लगाया था कि कैलाश गहलोत के परिवहन मंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार ने 1000 डीटीसी बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। भाजपा का आरोप है कि इन 1000 बसों की खरीद और इनके रखरखाव मामले में भ्रष्टाचार किया गया है। फिलहाल शराब नीति केस में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों न्यायिक हिरासत में है। इसी केस में 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल वे 1 अप्रैल तक रिमांड पर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।